नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आराध्या रियल्टी में। फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा आज आपको दिखाने लाया हूँ 240 स्क्वायर यार्ड में बिडो फ्लोर, जो कि सुशांत लोक 3 सेक्टर 57 के अंदर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है अपनी 100% गेटेड होने वाली है। अब बात करें अपने प्रॉपर्टी की, तो ये आपको स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है बिल्डर ने। बात करें अपने प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी की, तो 5 से 10 मिनट की ड्राइव की दूरी पर आपको स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और रैपिड मेट्रो, हुडा मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने फ्लोर पे किस तरीके की फिटिंग एंड फिक्चर्स आपको देखने को मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्लोर के मेन एंट्रेंस से। एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड गेट आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया डोर पे काम किया हुआ है। कुछ इस तरीके का आपको मेन डोर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एंटर करते ही हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। एक बार मैं आपको इसका लेआउट बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये होगी फ्रेंड्स हमारी फ्लोर की मेन एंट्रेंस, जहाँ से अभी हमने एंटर किया। एंटर करते के साथ ही हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो ये फ्रेंड्स अपना फ्रंट की साइड हो जाता है ड्राइंग रूम, और साथ में ही हमें ये किचन मिल जाती है, और ये अपना फर्स्ट बेडरूम जो कि फ्रंट की साइड पे ही है, और 2 बेडरूम आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं। ये अपना सेकेंड बेडरूम और ये थर्ड बेडरूम। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया से। फ्लोरिंग आपको इसमें इटालियन मार्बल की देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया वॉल सीलिंग का काम आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने ड्राइंग रूम में। काफ़ी स्पेशियस आपको फ्रेंड्स यहाँ लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया वॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है, काफ़ी डिसेंट काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक वॉल को हाईलाइट किया हुआ है टेक्चर पेंट के साथ, और ये आपकी PVC पैनलिंग की हुई है, तो काफ़ी बढ़िया लुक आता है अपने ड्राइंग रूम का। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने किचन की ओर, और देखते हैं किचन में किस तरह का काम आपको देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स अपनी किचन आ जाती है फ्रंट की तरफ ही। काफ़ी बढ़िया किचन आपको, काफ़ी स्पेशियस किचन आपको 240 स्क्वायर यार्ड में ये देखने को मिलती है। चिमनी हॉफ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बिल्डर लगा के देने वाले हैं। फ्लोर पे भी अपने काम चल रहा है, तो काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग भी है, बट आपको महीने भर के अंदर में पोजीशन इसकी मिल जाएगी। जैगवार फिटिंग के साथ आपको डबल सिंक बॉल देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया काम, काफ़ी डिसेंट काम आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स हो गया अपना पेंट्री यूनिट, काफ़ी स्पेशियस पेंट्री यूनिट, काफ़ी लार्ज पेंट्री यूनिट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। स्पेस आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो काफ़ी स्पेशियस पेंट्री यूनिट आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह के फ्रेंड्स आपको किचन देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया डिसेंट सीलिंग डिज़ाइन आप इसमें देख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज के साथ आपकी सारी मॉडुलर फिटिंग्स होने वाली हैं। काफ़ी बढ़िया फ्रेंड्स आपको काम किचन में देखने को मिल जाता है। OTG ओवन स्पेस आप देख सकते हैं। ये आपको मैंने अपना सिंक एरिया दिखा दिया, यहाँ पे चिमनी हॉब आपको बिल्डर लगा के देंगे। तो काफ़ी बढ़िया काम आपको फ्रेंड्स किचन में देखने को मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट किचन बनाई हुई है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और देखते हैं फर्स्ट बेडरूम में किस तरीके आपको काम देखने को मिलता है। 4 सेक्शन स्लाइडिंग अलमीरा देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आपको स्लाइडिंग अलमीरा देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके का आपको स्पेस इसमें मिल जाता है। तो अभी काम पेंडिंग्स है, इसमें कुछ सेल्फ वगैरह लगना बाकी है। तो ये फ्रेंड्स आ गए हैं अपने बेडरूम की तरफ। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन आपको बेडरूम का यहाँ देखने को मिल जाता है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। एक वॉल को हाईलाइट किया हुआ है वुडन की पैनलिंग के साथ, आप देख सकते हैं ये वॉल को हाईलाइट किया हुआ वुडन पैनलिंग के साथ, एनले वर्क किया हुआ है ब्रास का। काफ़ी बढ़िया लुक आता है आपकी इस वॉल का। यहाँ आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस आपको बेडरूम यहाँ देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका अटैच वॉशरूम। तो ये फ्रेंड्स हम आ गए अपने अटैच वॉशरूम की तरफ। काफ़ी बढ़िया टाइल कॉम्बिनेशन के साथ आपको
वॉशरूम मिल जाता है जैगवार फिटिंग के साथ। ग्लास पार्टीशन बिल्डर लगा के देने वाले हैं। ये अपना शावर एरिया हो जाता है और ये अपना WC, ये अपनी वॉश बेसन। आप देख सकते हैं जैगवार फिटिंग के साथ आपको ये सारा मिलने वाला है। तो काम काफ़ी बढ़िया फ्रेंड्स किया हुआ है इसका। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, एक बार आप विजिट ज़रूर करें। प्राइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके दो बेडरूम जो कि बैक साइड पे हैं। फ्रंट पे मैंने आपको इसका लिविंग एरिया, किचन और फर्स्ट बेडरूम डाइनिंग हॉल स्पेस आपको दिखा दिया है। अब हम इसके बैक साइड के दोनों बेडरूम देख लेते हैं। तो अब आ गए हैं फ्रेंड्स हम अपने सेकंड बेडरूम में। फ्लोरिंग आपको इसमें ब्रांडेड टाइल की मिलती है। एक वॉल को हाईलाइट किया हुआ है टेक्सचर पेंट के साथ। फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो काम काफ़ी बढ़िया फ्रेंड्स आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे इसकी वार्डरोब आ जाती है, 5 सेक्शन अलमीरा आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके का स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स अपना अटैच वॉशरूम, वॉशरूम को कॉमन किया हुआ है डाइनिंग हॉल के साथ। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से किया हुआ है। ये फ्रेंड्स अपना वॉश बेसिन एरिया, WC, शावर एरिया जैगवार फिटिंग के साथ आपको ये सारा मिलने वाला है। ग्लास पार्टीशन बिल्डर लगा के देने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया टाइल कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, ये आपको कॉमन किया हुआ है डाइनिंग हॉल के साथ। आपको कॉमन वॉशरूम ये मिल जाता है। ये देख सकते हैं मैंने अभी आपको जो वॉशरूम दिखाया, कॉमन वॉशरूम जो कि बेडरूम के साथ अटैच है और ये अपना कॉमन वॉशरूम होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका थर्ड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम होने वाला है। काफ़ी बढ़िया काम आपको थर्ड बेडरूम में देखने को मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम होने वाला है ये। फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिसेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक वॉल को हाईलाइट किया हुआ है PVC पैनलिंग के साथ जो कि वुडन जिसका लुक देती है पूरे। तो काफ़ी बढ़िया लुक आ जाता है इस वॉल का आपके। और बाकी टेक्सचर पेंट आपको वॉल पे मिल जाता है देखने को, तो लुक काफ़ी अच्छी आती है फ्रेंड्स वॉल की। 5 सेक्शन वार्डरोब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको स्पेस देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका अटैच वॉशरूम। ये आ गए हम अपने वॉशरूम में। काफ़ी बढ़िया टाइल कॉम्बिनेशन के साथ आपको वॉशरूम होने वाला है जैगवार फिटिंग के साथ। ये अपना वॉश बेसिन एरिया, WC एरिया और ये फ्रेंड्स हो जाता है अपना शावर एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी काम इसमें चल रहा है, तो ये आपको सारा जाली वगैरह सब लगा के देने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया टाइल कॉम्बिनेशन के साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये घर हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और फ्रेंड्स हमारे द्वारा दिखाया हुआ कोई भी घर आपको पसंद आता है तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस गुड़गांव में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। प्राइस फ्रेंड्स मैं इस फ्लोर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपनी विजिट भी बुक करा सकते हैं हमारी टीम के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।